हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस रन थ्रू ऑफ चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यू विल डू योरसेल्फ। और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया कि जो मैंने एक्सरसाइज डाली थी जिसमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थी, वो वाली एक्सरसाइज बहुत कम देखी है आप लोगों ने। आई थिंक तो उसकी जरूरत नहीं है इक्वेशन को सोल्व करने की, इक्वेशन सोल्व आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम से हम सोल्व करते हैं। और आई एम सॉरी फॉर ब्रिंगिंग लेट, क्योंकि बीच में तबीयत मेरी खराब हो गई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4/7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 7 टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन क्या है, 4/7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स होती है वो आपको याद रखनी है। फ्रॉम, अगर आपको फ्रॉम बोला है मींस फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो आप पहले नोट करेंगे। जैसे माइनस करते हैं ना, जैसे आपको बोला कि माइनस करो 8 से 3 को, तो आप कैसे करो 8 माइनस 3, तो एक नंबर आपने पहले नोट किया फिर एक दूसरा बाद में, तो कौन सा नंबर पहले आएगा जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में होता है, ये नंबर पहले आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 7 टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है अगर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो आता है। सो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, लेट द पॉजिटिव नंबर That is equal to, जो भी आपको लेना है, that is equal to y, then 4/7 is subtracted from a positive number. Now according to question हम क्या करेंगे, according to question हमें subtract करना है, तो पहले हम कौन सा note करेंगे, 4/7 करेंगे या y करेंगे। 4/7 को बाद में करना है, पहले y को करना है, क्योंकि from जो होता है उसकी right hand side में positive number है, इसको हम पहले नोट करेंगे -4/7। और इक्वेशन को सोल्व करने में सिर्फ यही छोटी छोटी चीजें होती है। एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 7, रिजल्ट क्या, जो आपके पास ये आया है इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो 7 से टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर। यहां पे मैंने नोट नहीं किया व्हाट इज द नंबर और है यहां पे, वॉट इज द नंबर। सो ओरिजिनल नंबर आने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ रहा है, मीन्स ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, y। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहां पे पॉजिटिव दे दिया यहां पे ओरिजिनल दे दिया, इससे आंसर आ जाएगा ओरिजिनल यानी जो पॉजिटिव नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 × y - 7 को एक बार आपने किया y से, फिर 7 को किया 4/7 से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग देयर। 7 × 4 = 28/7, इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो क्योंकि ये कट हो जाएगा, 7 × 4 = या डायरेक्ट नोट कर देती हूं मैं 4, ओके 4 इक्वल टू y, 7y - 4 है ये, ट्रांसपोजिंग करेंगे अब हम 7 को करते हैं, सॉरी y को करते हैं हम, तो ये -y हो जाएगा और 4 को किया तो +4 हो गया। यहां पे नोट करेंगे ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड एंड y टू लेफ्ट हैंड साइड, 6y = 4, y विल बी इक्वल टू 4/6, दैट इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 2/3। यहां पे हम नोट करेंगे ट्रांसपोजिंग 6 टू राइट हैंड साइड। सो द ओरिजिनल जो आपके पास नंबर है वो क्या आया, सो द पॉजिटिव नंबर इज 2/3। This is our answer. Now question number 5. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When the digits are interchanged,
and 18 is subtracted from the new number, the resulting number is greater than the original number by 9. What is the two digit number? Question देखिए क्या है, हमारे पास टू डिजिट नंबर है जिसमें सम ऑफ डिजिट क्या है 9. ओके, जब डिजिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यू नंबर से, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से बाय 9. इसको सॉल्व करते हैं तब आपको समझ आएगा. अब कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप से गिवन हो, सम ऑफ डिजिट गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, तो हम उसको लेट करते हैं. पहले लेट तो हमें करना ही होता है टू डिजिट वाले में. लेट द वंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इक्वल टू वाई. वाई किस लिए ले रही हूं मैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और एक्स और जो मल्टीप्लाई है वो एक जैसा दिखता है, इसलिए उसमें डिफरेंस कम पता चलता है. तो वाई लेते हैं यहां पे. अब सम ऑफ टू डिजिट क्या है, 9 है. अगर वंस प्लेस वाई है तो टेंस प्लेस इसमें क्या होगा, द टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस इसमें होगा ऐसे समझिए, मान लो नंबर है 63, तो इसमें सम कितना आ रहा है, 6 + 3 = 9. अगर मैं इसको y ले लेती हूं तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू 9 - 6. यानी आपने माइनस किया ना जो सम आया उससे. तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, सम गिवन है हमें 9 है, तो हम टेंस प्लेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 - y. ये टेंस प्लेस हो गया. अब इससे नंबर फाइंड आउट करते हैं हम. नंबर हमारे पास क्या बनेगा, वंस प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. वंस प्लेस हमारे पास क्या है, y, y इंटू 1, और टेंस प्लेस क्या है, 10, 9 - y. तो 10 × 9 - y, ये हमारे पास नंबर आ गया. ये नंबर निकालने के लिए होता है y प्लस 10 × 9, 90 - 10y, दैट इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो अब 90 - 9y. ओके, ये हमारे पास नंबर है. अब उसके बाद क्या, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब आप डिजिट को इंटरचेंज करते हो तो उस पे क्या होता है. देखो जो मैंने एक्सरसाइज में कराया था वो पूरा डिटेल में कराया था कि जब हम डिजिट को रिवर्स करते हैं तो वंस प्लेस क्या होगा, टेंस क्या होगा और नंबर क्या होगा. अब मैं डायरेक्ट कराती हूं क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, वंस प्लेस को और टेंस प्लेस को इंटरचेंज करके नंबर निकालते हैं. तो अब मैं डायरेक्ट नंबर नोट करती हूं यहां पे, ठीक है. रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू, जो वंस प्लेस है अब वो टेंस बन गया ना, तो वंस प्लेस इसमें क्या था, y, तो इसको अब आप 10 से करोगे मल्टीप्लाई, 10 × y, और जो 9 - y उसको 1 से करना है. जब 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा. ये क्या है हमारे पास, 10y प्लस, डायरेक्ट नोट करते हैं, 10y - y, 9y + 9. ये हमारे पास रिवर्सिंग द डिजिट आ गया. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर. तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यू नंबर है, ठीक है. रिवर्सिंग द डिजिट, तो न्यू नंबर आ गया ना ये. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर, तो इसमें न्यू नंबर हमारे पास क्या है, 9y + 9. जब इसमें से आप 18 माइनस करते हैं, द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 9. यहां से है, द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 9. मीन्स जो ये नंबर है, रिजल्टिंग नंबर कौन सा है, ये, अगर इसमें से माइनस किया तो ये रिजल्टिंग नंबर हो गया. द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, द
अब ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा हम लेते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये हमारे पास 90 माइनस 9 y, ये ओरिजिनल नंबर है। जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है ये इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है किससे, इससे ग्रेटर है, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाती हूं। अब आप सोचिए कि कौन सी साइड में ऐड करना है, मैंने दोनों को इक्वल बनाना है और हमें ये दिया है कि ये वाला नंबर 9 ग्रेटर है, तो किधर हम ऐड करेंगे 9, इसमें ऐड करेंगे ना, क्योंकि अगर मैंने इधर 9 ऐड कर दिया तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है, 9 ऐड किया तो और ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा, तो हमने इक्वल करना है इन दोनों को, तो यहां पे हम प्लस 9 करेंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए 9y। अब ट्रांसपोजिंग करते हैं, 9y को किया हमने तो ये प्लस 9y इक्वल टू 90 प्लस 9 99 हो गया ये, और यहां से देखिए -18 प्लस 9, तो 18 माइनस 9 करेंगे 9 आएगा माइनस में, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 9। अब ये हमारे पास क्या आया 18y इक्वल टू 108, y विल बी इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 18, 18 6 जा y इक्वल टू क्या आ गया 6। अगर y इक्वल टू 6 आ गया तो आप करेंगे नेक्स्ट में नीचे करेंगे क्या, वंस प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज, यहां पे 6 करेंगे, टेंथ प्लेस क्या आ जाएगा, या फिर आपको तो नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो डायरेक्ट आप कैसे करिए, नंबर की जगह यहां पे y की वैल्यू फाइंड रखिए और नंबर फाइंड आउट कर दो। ओके, ये कर लोगे ना आप अपने आप से। यहां पे आपको नोट करना है ट्रांसपोजिंग नाइन टू राइट हैंड साइड एंड 9y टू लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे नोट करना है ट्रांसपोजिंग, जहां भी आप ट्रांसपोजिंग कर रहे हो वो आपको नोट करना होता है, ट्रांसपोजिंग 18 टू राइट हैंड साइड, और वहां पे वैल्यू लास्ट में लिख देना, सो द नंबर इज 90 माइनस 9 इंटू 6, और फिर उसको माइनस करके आंसर नोट कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 2 times द अदर डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वन ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड एडिंग द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, नंबर 99 इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। देखिए क्वेश्चन है, टू डिजिट नंबर है जिसमें एक डिजिट दूसरे की 2 times है, तो आपको लेट करना होगा, लेट द वंस प्लेस, नंबर वाले में आप एटलीस्ट 3 या 4 स्टेप तो करके ही आइए यहां पे, लेट द और वंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इक्वल टू y, अगर ये y है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 2 times द अदर डिजिट, तो हमने वंस ही लिया तो टेंथ क्या होगा इसमें, दैट विल बी इक्वल टू 2 into y, दैट इज 2y। ओके, देन नंबर क्या बनेगा यहां से, टू डिजिट नंबर विल बी इक्वल टू वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, क्या मिला ये आपको यहां से, y प्लस 10 इंटू टू 20y, दैट इज इक्वल टू 21y। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब इंटरचेंजिंग द डिजिट है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू वंस प्लेस को टेंस करना है, मीन्स 10y प्लस
टू वाई को आपको वन से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी इक्वल टू टू वाई इंटू वन इक्वल टू टू वाई, टेन वाई, ट्वेल्व वाई। ये आपको यहां से भी पता चल रहा है ये, क्योंकि ये सिंगल है, अगर इसके साथ प्लस माइनस होता तब नहीं आता ये ऐसे आंसर। अब देखिए क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर एंड एडिंग द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, क्या समझ आया कि जब आपने इंटरचेंज कर दिया नंबर को तो ये नंबर यानी ये रिजल्टिंग नंबर है, इसमें आप ओरिजिनल नंबर को ऐड करते हो, ओरिजिनल नंबर इज 21y, नंबर फॉर्म्ड इज 99। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारे पास क्या आएगा, हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं, 21y प्लस 12y दैट इज इक्वल टू 99। ओके, अब इसको किया हमने तो ये क्या आया, 33y इक्वल टू 99, y विल बी इक्वल टू 99 डिवाइड बाय 3, 33, तो ये आपके पास क्या आया 3, y इक्वल टू 3 आ गया। यहां पे हमने नोट करना था ट्रांसपोजिंग 33 टू राइट हैंड साइड। ओके, अब लास्ट में हम यहां पे नोट करेंगे नंबर आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, तो यहां पे नोट करेंगे सो द नंबर इक्वल टू 21 इंटू 3, यहां पे वैल्यू पुट करनी थी ना हमें 21y, दैट इज इक्वल टू 63। ओके, तो ये 63, और दूसरा अगर ये पूछा है तो यहां से भी आ जाएगा ये 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36, तो दोनों इसमें नंबर हो सकते हैं ये। इसमें दोनों मैंने किस लिए बोला है, क्योंकि मैंने यहां पे वंस प्लेस y लिया है, क्या पता आप टेंस प्लेस को y लो। ओके, तो उसमें ये चेंज हो जाएगा, फिर ये दोनों नंबर आपको इसमें नोट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स हाफ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 5, फाइंड द नंबर। सो लेट द नंबर लेंगे पहले तो हम, और उसका 1/3 करना है, उसको 5 से इंक्रीज करना है, हाफ लेना है उसको डिक्रीज करना है 5 से, और आंसर फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर इक्वल टू y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसमें लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 1/3, 1/3 क्या होता है, 1/3 ऑफ अ नंबर मीन्स इनटू y, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इंक्रीज्ड बाय 5, इंक्रीज मीन्स प्लस 5, इज इक्वल टू हाफ पार्ट, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ y डिक्रीज्ड बाय 5 माइनस 5, सिंपल है ये। तो ये क्या होगा, 1/3 y प्लस 5 इक्वल टू 1/2 y माइनस 5। नाउ ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड एंड 1/2 y टू लेफ्ट हैंड साइड, 1/3 y माइनस 1/2 y विल बी इक्वल टू माइनस 5, जब इसको किया तो माइनस 5। यहां पे हमें नोट करना है ट्रांसपोजिंग 1/2 y टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 टू राइट हैंड साइड। अब यहां पे देखिए आपको एलसीएम लेना होगा, 3 टू जो 6, 6 को डिवाइड किया 3 से, 2, 2 इंटू वाई, 2 वाई माइनस, यहां से किया 6 को डिवाइड किया 2 से, 3, 3 इंटू वाई, 3 वाई इक्वल टू माइनस 10, यहां से किया माइनस, यहां पे 2, 3 है यहां पे 2 है तो माइनस किया तो माइनस वाई डिवाइड बाय 6 इक्वल टू माइनस 10। अब यहां पे ये माइनस माइनस कैंसिल, y विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नोट करते हैं, y इक्वल टू 6 इंटू 10 दैट इज 60 क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, सो द नंबर इज
60. This is your answer. Now question number 8. The length and breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3. If the cost of fencing around the field is ₹4,800 at the rate of ₹50 per meter, find the length and breadth of the field. Question है कि जो length और breadth है उसका ratio 5:3 है. अब ये आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बोला था कि जहां भी ratio में given हो वहां पे आप x लेके करिए उसके साथ, तो value easily find out हो जाएगी. अब क्या है, cost of the fencing around the field. अब fencing है, fencing हम कहाँ करते हैं, along the boundaries करते हैं, और इसने बोला भी है around the field. Fencing means आप क्या find out करोगे, जो length और breadth given है rectangular field की, वहां से आप क्या find out करोगे, वहां से आपको perimeter find out करना है, क्योंकि along the boundaries कोई भी अगर shape हो, along the boundaries कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम perimeter बोलते हैं. और रेट क्या गिवन है, ₹50 पर मीटर. सो लेट लेंथ ऑफ, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ले लेते हैं एक साथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू 5x एंड 3x मीटर, मीटर में होगा ये. नाउ वी नीड पेरीमीटर, सो वी विल राइट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ 5x प्लस ब्रेथ 3x. That will be equal to 5x plus 3x, 8x. 2 into 8x. That will be equal to 8 to the 16x. 16x आपने लेना है. और ये किस में होगा? ये मीटर में होगा. Okay? अब देखिए यहाँ पे cost given है. ₹50 per meter. तो यहाँ से हम cost और find out कर लेते हैं fencing की. Fencing cost, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू 16x इनटू 50, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 50, और आपको कितने की फाइंड आउट करनी है 16x की. तो फेंसिंग कॉस्ट क्या होगी, 16x इनटू 50 दैट विल बी इक्वल टू 16 इनटू 5 80 आफ्टर दैट 10x. और ये किस में है, ये रुपीज में है, क्योंकि कॉस्ट है ये तो रुपीस में है ये. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीस, ये हमें किस में है, एक्स में गिवन है, वेरिएबल की टर्म में है ये, दैट इज इक्वल टू 4800. यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक्स विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 800, 0 टू 0 कैंसिल, 8 6 x इक्वल टू 6. आगे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. यहां पे आपको क्या निकालनी थी, लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6 एंड 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 5 30 मीटर एंड 18 मीटर. दिस इज योर आंसर. और यहां पे आप अपने आप से नोट कर लेना, ट्रांसपोजिंग 800 टू राइट हैंड साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. प्रभात्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज. 5 इयर्स फ्रॉम नाउ प्रभात्स एज विल बी 1/3 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. क्वेश्चन क्या है, प्रभात की एज उसके फादर की एज की 1/4 है. 5 इयर्स फ्रॉम नाउ प्रभात एज विल बी, विल बी आ गया मींस आपको प्लस करना है यहाँ पे 1/3 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज. क्वेश्चन देखते हैं, लेट करना है हमें,
लेट हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम्स हो या फिर, अब इसमें क्या है, इसमें टाइम्स नहीं है, इसमें वन फोर्थ दे दिया, तो वन फोर्थ है तो टाइम्स हो नहीं सकता, तो हम इसमें लेट करेंगे हिज फादर्स प्रेजेंट एज. ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात्स फादर दैट इज इक्वल टू वाई यर्स. देन ये फादर की हो गई, तो प्रभात की कितनी है, इज वन फोर्थ ऑफ हिज फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात दैट विल बी इक्वल टू वन बाय फोर वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू आगे क्या है क्वेश्चन, फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ प्रभात एज विल बी, मींस आफ्टर फाइव इयर्स आपको फाइंड आउट करनी है, आफ्टर फाइव इयर्स एज ऑफ प्रभात फादर. अब दोनों की देख लेते हैं एक बार हम, दैट विल बी इक्वल टू y प्लस फाइव, एज ऑफ प्रभात दैट विल बी इक्वल टू वन बाय फोर वाई प्लस फाइव ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रभात्स एज विल बी वन थर्ड ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज. ये जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज क्या है इसमें, यहां पे वाई, वाई जो प्रेजेंट एज है इसकी जो फाइव ईयर्स के बाद एज है, ये वन बाय फोर वाई प्लस फाइव, ये एज उसके फादर की जो एज है प्रेजेंट में उसकी वन थर्ड होगी, तो वन थर्ड ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज ये हो गया, वन थर्ड ऑफ हिज फादर प्रेजेंट एज विल बी, इससे पहले क्या था, फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ प्रभात एज विल बी, ये प्रभात की एज है फ्रॉम आफ्टर फाइव इयर्स. तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, वन बाय फोर वाई माइनस वन बाय थ्री वाई विल बी इक्वल टू माइनस फाइव. हमने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोजिंग वाला आप अपने आप से नोट करेंगे, यहां एलसीएम लिया ट्वेल्व, फोर को फोर से डिवाइड किया ट्वेल्व को थ्री, थ्री वाई माइनस ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड किया फोर वाई इक्वल टू माइनस फाइव, यहां से क्या आया माइनस वाई, या वन वाई कर लो, डिवाइड बाय ट्वेल्व इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसिल, सो वाई विल बी इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अब हमने ये, सो वाई विल बी इक्वल टू 60 years. अब ये किसकी एज है, एज ऑफ प्रभात है ये, और आपको फाइंड आउट किसकी करनी है, उनकी प्रेजेंट एज. तो यहां पे लास्ट में आप नोट कर देंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात फादर 60 years एंड एज ऑफ प्रभात विल बी 1 बाय 4 इंटू 60 दैट विल बी इक्वल टू 15 years. दिस इज योर आंसर. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.